ये प्रियांशु का बैग मम्मी ला रही है भीग रहा है, और ये रहा प्रियांशु एकदम भीगते हुए। ये पानी पूरी भीग गई है। तो वेलकम और वेलकम बैक टू न्यू के ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज एकदम फिट एंड फाइन हो गई हूँ मैं, और अभी मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ। मैंने नहा लिया है और आज है घी त्यार, तो आज हम लोग खाते हैं भर भर के घी। ठीक है, तो आज मम्मी ने बनाई है खीर, आई हलवा, खीर भी तो थी, खीर भी बनाई है गाइस, झूठ नहीं बोलते हुए। ये रही सेवई की खीर, तो इसमें हाँ प्रियांशु वो नहीं खाता है, इसको चावल की खीर पसंद है गाइस। हम लोग यही है ना चावल की खीर वाला, बस बाकी हम सब लोग सेवई की खीर खाते हैं, इसको बस इसको चावल की खीर पसंद है, इसलिए इसके लिए हलवा बनाया अलग से, लेकिन उसको हम भी खाएंगे, ये अकेला थोड़ी खा जाएगा। तो सो गाइस, अभी मैं ने स्कूल की ड्रेस में प्रेस भी कर लिया है, तो मैं फटाक से रेडी होती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे खाते हैं हम आज घी तैयार के लिए। गाइस ये रहा हलवा और खीर, मेरा आज सुबह का नाश्ता, क्योंकि मुझे ना घी डाल के मचाई जैसी हो जाती है, तो इसमें वैसे घी तो पड़ा है, तो मैं ऐसे ही खा रही हूँ इसे। गाइस अब हम मैं निकल रही हूँ, और मौसम की अपडेट दूँ तो ये सूरज देवता चंद्रमा बन रखे हैं। सुबह तो पता है कोहरा कोहरा जैसा लगा था, मैं दिखाना भूल गई आप लोगों को, लेकिन अभी थोड़ी सी ऐसे लग रहा है जैसे कि धूप आ भी सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैंने पहन लिया अपने चप्पल, क्योंकि कीचड़ हुआ है, तो शूज़ कैसे पहनूँ, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो गाइस लेट्स गो, हम निकलते हैं। गाइस यहाँ पे मेरे पास कॉपी के भंडार आ गए हैं, ये तो रीचेक कर रही हैं, वो तो कर रही हैं, उन तो उनका काम है चेक करने का, लेकिन यहाँ मेरे पास कल एब्सेंट क्या थी, मेरे पास कॉपी का भंडार आ चुका है। इतने लेट व्लॉग स्टार्ट किया, अभी मेरा ये भंडार चले गया है, ये तो कुछ नहीं है, चले गया है भंडार, एक ऐसा ही भंडार चले गया है अभी, ये कर रहे हैं हम। और गाइस उसे बैठी है, लेकिन ये सुबह से बैठी है, कॉपी चेक कर रही है, अब भूख लग रही है, भूख लग रही है, देख रहे हैं किसी के पास 10-20 रुपए मिल जाएगा। तो गाइस अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, और अभी घर पहुंच के देखा तो लाइट थी, और स्कूल में हम लोग इतना मर गए लाइट के बिना, पता नहीं लाइट नहीं थी, और घर आके देखा मम्मी से पूछा, मैं बोली लाइट तो है सुबह से, गई नहीं है, और बीच में गई होगी एक दो बार, बस हो गया और लाइट है, और स्कूल में हम लोग ऐसे इंटरवल के बाद 11 बजे तो ऐसे मर रखे ना बिना लाइट के, बाबा हो इतना गर्म, बहुत गंदा वाला गर्म हुआ आज तो। और लेकिन स्कूल में इसलिए थी क्योंकि शायद वहाँ को ना पाइपलाइन बिछी है, तो बीच की लाइट काट रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ थी फगुलों के यहाँ थी, बीच में जो स्कूल का वाला लाइन है वहाँ पर पाइपलाइन बिछी है, तो वहाँ लाइट काट रखी थी, बहुत गंदी हालत हो गई थी गाइस आज तो, इतना गर्म हो गया, बाय गॉड परेशान हो गए थे आज तो। गाइस बार बारिश शुरू हो गई है, और प्रियांशु अभी स्कूल से घर नहीं आया है, और अभी क्या हो रहा था ना, मैं जैसे ही बाहर निकल रही थी वैसे ही तेज़ से बारिश आ रही थी, और जैसे ही मैं अंदर आ जा रही थी, मतलब छुप जा रही थी कहीं पर, तो फिर कम बारिश होने लग जा रही थी। मैंने बोला ये क्या हो रहा है साथ, मैं मम्मी से बोली मम्मी जैसे मैं बाहर निकल रही ना वैसे तेज़ आ रही है, जैसे मैं अंदर को आ रही हूँ तो वैसे ही तेज धीरे हो जा रही है। और अभी प्रियांशु भी नहीं आया, वो प्रियांशु ना रास्ते में अटक गया होगा कहीं आज तो बारिश के उससे। तो गाइस हमने सोचा कि प्रियांशु कहीं पे रुक जाएगा, लेकिन नहीं, प्रियांशु आ चुका है घर भीगते हुए भी। ये प्रियांशु का बैग मम्मी ला रही है, भीग रहा है, और ये रहा प्रियांशु एकदम भीगते हुए। रुका क्यों नहीं रहे तू कहीं पर? गाइस मुझे भी बारिश में नहाने का मन कर रहा है, लेकिन तबीयत खराब हो रही है तो डर भी लग रहा है, इतनी मस्त बारिश आ रही है ना अभी, ये देखो कितनी खतरनाक, सफेद हो जाए सब जगह ना अम्मी। और एक तो आज सुबह से गर्मी हुई थी, हाँ सही बोली अभी हमने, सुबह से गर्मी हो रही थी तो अभी ठंडा ठंडे तो मन कर रहा है नहाने का बारिश में। गाइस जी अपनी सारी कॉपी किताबें भिगा के आ गए, ये पानी पूरी भीग गई है। तो अभी तो रुका क्यों नहीं रहे, बैग रख के आता कहीं अभी शाम, क्या हुआ क्या हुआ काला हुआ है, देख तो दिया, हाँ
गाइज मेरे को मम्मी ने ऐसे डर है, नया क्या हुआ है ऐसा, मैंने बोला क्या हुआ ऐसा। गाइज मैं पानी भरने आई हूँ बाहर, और बाहर का फिर से मौसम एकदम चेंज हो गया है। उस साइड तो ज़्यादा ही हो रहा है, आंटी के घर की साइड बोले, उस साइड को देखो ज़्यादा ही हो रहा है। गाइज आज की रात बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश आने वाली है, जिस हिसाब से बादल लगे उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है, और हवा भी चल रही है। पहले मैंने सोचा कि नहाते हैं, खैर मैं सुबह से नहा के तो गई थी स्कूल, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, बारिश हो रही थी फिर भी गर्म ही हो रहा था, लेकिन अब ठंडा होने लग गया है और बादल खतरनाक। मम्मी कह रही है ना कि चार्ज में लगा लो फोन, फिर चम्मू होगी तो इन्वर्टर बंद कर दूंगी और क्या बोलते हैं लाइट भी नहीं होगी। गाइस अभी मैंने सोचा था कि मम्मी से बोलूं कि थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश हो रहा है तो पकौड़ी बनाते हैं, लेकिन देखा तो दो ही आलू बचे हैं जिंदगी में, मतलब घर के अंदर। तो गाइस इसलिए हमारा पकौड़ी बनाना तो खैर कैंसिल हो गया थरा। क्या बनाने वाले थे फिर हम? सब्जी भी कुछ थैली नहीं फ्रिज में है, वही बनाएंगे अब, क्या बोलते हैं उसको, आलू बड़ी। देखा ही होगा आपने कितना बड़ी खाते थे रहे हम, वही खाएंगे फिर अब। और कोई कुछ तो है थैला नहीं हमारे पास खाने के लिए, वही बिगाते हैं, बड़ी बिगाते हैं अब गाइस। तो यहाँ पे आलू टमाटर काट रही है, और मेरे रूम में क्या मस्त हवा आ रही है इस खिड़की से गाइस। हाँ मेरे रूम में तो ऐसा जन्नत जैसा हो रहा है ना अभी, मतलब ज़्यादातर हवा ना पीछे से ही आती है, और मेरा रूम तो पीछे की साइड को है गाइस, ये मेरा फ़ायदा हो जाता है कि हवा आती है, लेकिन मैं इस काम की भी नहीं हूँ। मेरे को ज़्यादा हवा लगती है ना, मेरे को ठंडा लग जाता है गाइस, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और मेरा तो पंखा बंद हो जाता है। अब मैं पंखा नहीं चलाऊँगी, रात भर बिना पंखे के सोऊँगी गाइस। थोड़ा सा भी अगर कुछ होता है ना, जरा ठंडी हवा चलने लग गई या बादल लग गए, मेरा पंखा बंद, मतलब पक्का गारंटी के साथ है अगर मैं पंखा चला के सोऊंगी सुबह तक पक्का बीमार होंगी, इसलिए मैं पंखा चलाती ही नहीं हूँ। जिस दिन गर्म होता है, धूप आती है, उसी दिन चलाती हूँ, ऐसे मौसम में तो बंद ही रहता है मेरे पंखा, बिजली बचाती हूँ गाइस मैं बहुत ज़्यादा। जिस घर में जाऊँगी ना बिजली तो बची थेरी पे जाती हूँ सही में। वैसे इधर आना ला इसको सही कर। तो गाइस अभी मैं प्रियांशु को चैलेंज दे रही हूँ उसको बनाने का, तो प्रियांशु के लिए मैं अभी इसको बिगाड़ूंगी, ले पकड़ मैं बिगाड़ती हूँ इसको। तो गाइस मैं इसको बिगाड़ रही हूँ मस्त तरीके से, पैर में दिखा मेरे मैं चीज से बिगाड़ूंगी तरीके से, बिगाड़ दूंगी गाइस मैं इसको, कहीं से भी कोई मैचिंग नहीं बनाऊंगी, तीन मैचिंग कैसे करेंगे। सो गाइस मैंने इसको पूरा बिगाड़ दिया है, और अब ये प्रियांशु सॉल्व करेगा। सो सिट हियर, विराजमान होइए यहाँ पे प्रियांशु, मेरे लिए लीजिए गाइस, प्रियांशु इज रेडी, सो लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 गो। प्रियांशु बना रहा है कुछ तो कर रहा है, ये अपने पैसों से लाया वैसे इसको जूतों के साथ। गाइस आप लोग टाइम देख लेना खुद ही मैं भूल गई देखना, क्योंकि अरे जल्दी कर, खाली घुमा रहा है गाइस, ये पता नहीं क्या कर रहा है। एक साइड बना, बनने वाला है बस, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बनता हुआ। थक थक
कुछ तो होने वाला है। दिखा गाइस ने तैयार कर दिया। इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, इसको मेरे ख्याल से 1.5 मिनट लगा है, लेकिन पहले ना ये 1 मिनट के अंदर मतलब 50 सेकेंड में बना लेता था। इसका एक हो गया था ना, ख़राब हो गया था, तो इसकी टाइमिंग, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो गई आजकल। बट कोई बात नहीं, बना दिया। बहुत खटखट खटखट करता है, मुझे नहीं आता गाइस ये, आई डोंट नो दिस टाइप ऑफ, बट मैं इसको तोड़ने में बहुत ज़रूर मदद कर सकती हूँ बिगाड़ने और तोड़ने में। बाकी तो मेरे सर के ऊपर से जाता है। एक बार मैंने ट्राई किया था सीखने का, लेकिन फिर मैं असमर्थ रही उसमें, बट इट्स ओके। प्रियांशु मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वो बोल रहा है कि अगर तुझे संडे को मेरे साथ डांस की वीडियो बनानी है और अगर मैं तेरी डांस की वीडियो शूट करूँगा तो तू मेरी वीडियो बना। वो अभी करने जा रहा है स्टोन पेंटिंग। इतना छोटा तो स्टोन है, उसमें भी क्या पेंट करने जा रहा होगा पता नहीं। और दिन हम चुप रहे चुप रहे, लेकिन आज तो हम घी से रोटी चुपड़ेंगे, क्योंकि जहाज घी नहीं खाता है उसको क्या होता है मम्मी? जहाज घी नहीं खाता है उसको क्या होता है? किरमुले काटते हैं। किरमुले का मतलब चीटियाँ होता है। ओके गाइस, जिसको समझ में ना आए किरमुले क्या होते हैं, किरमुले मतलब चीटियाँ। तो जो घी नहीं खाता है आज के दिन उसको चीटियाँ काटती हैं, तो हम तो खा ले रहे हैं। आपने खाया नहीं खाया बताना। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अभी ना मुझे एकदम खाके एकदम हिचकी टाइप की हो रही है, तो पता नहीं क्या हो रहा है, हिचकी हिचकी हो रही है। सो गाइज मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।